नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बना ये टनल उस सोच की पहचान है जिसका फायदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को होगा। जम्मू कश्मीर में चेनानी और नाशरी के बीच बनी एशिया की सबसे लंबी यानी 9 किलोमीटर लंबी सुरंग, इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मजबूत इरादों की नजीर है। पहाड़ का सीना चीर कर बनाई गई ये सुरंग कश्मीर वासियों के लिए एक वरदान है। इस सुरंग ने 2 घंटे के सफर को महज 15 मिनट में समेट दिया है। इस टनल के शुरू होते ही जम्मू और श्रीनगर के बीच आवागमन आसान हो जाएगा और किसी भी मौसम में कश्मीर की रफ्तार नहीं थमेगी, क्योंकि 3,800 करोड़ की लागत से बने इस टनल के निर्माण में इस्तेमाल की गई है अत्याधुनिक तकनीक, जिसमें शामिल है वेंटिलेशन सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल, हाइड्रेट सिस्टम, ITCS सिस्टम। साथ ही ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए बनाया गया है एक कंट्रोल पैनल। 9 किलोमीटर की दूरी में लगाए गए हैं कुल 124 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और किसी आपात स्थिति को देखते हुए टनल के पैरेलल बनाई गई है एक स्केप टनल। खास बात यह भी है, ये टनल प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना का रूप है, क्योंकि इस टनल को भारतीय कंपनी ने बनाया है। केंद्र सरकार की विकास परक सोच और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कुशल नेतृत्व में चेनानी और नशारी के बीच 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर इसे कश्मीर की जनता को समर्पित करेंगे। वाकई में ये सुरंग जहां कश्मीर में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, वहीं भविष्य में देश में सड़क निर्माण के क्षेत्र को एक नई दिशा देगी।